विशेष सत्र जो आहूत की गई है पार्लियामेंट का, ये भारतीय जनता पार्टी का छटपटाहट है, डर है। कल से ही हेडलाइन मैनेजमेंट की जा रही है, इंडिया की तीसरी बैठक ने भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर दिया है। रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में कमेटी गठित करने की बात, वन नेशन वन इलेक्शन, क्या जरूरत आन पड़ी, माथे पे चुनाव है। 23-22 में क्या कर रहे थे, 21 में क्या कर रहे थे, 20 में क्या, 19 में क्या कर रहे थे। तो एक बड़ा सवाल है कि छटपटाहट है भाजपा के अंदर, इंडिया की एकता, उनके मुद्दे, देश के मुद्दे, क्योंकि भाजपा हर फ्रंट पर, हम तो फेयर इलेक्शन के पक्ष में हैं, आई वांट टोटली फेयर इलेक्शन। और ये बात सबको जाननी चाहिए, मुद्दों की बात करिए ना। दो बैठक में 200 रुपये सब्सिडी आपने कर दे, भी देखते जाए क्या क्या चीज़ के दाम घटने वाले हैं। इंडिया का ये असर होगा कि एनडीए छत बिछत हो जाएगी, 24 में इनको आना नहीं है। देश में किस भाग में है, दक्षिण भारत से समाप्त हो गए हो, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में आनी नहीं है, बंगाल में हो नहीं, बिहार में रहोगे नहीं, झारखंड में दर्शन नहीं है, उड़ीसा तो आपके है ही नहीं जी। रहा सवाल पंजाब और दिल्ली का, तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ोगे, किसके आधार बलबूते आ जाओगे। तो इंडिया की जो एकता और मजबूती, जो संविधान, लोकतंत्र, किसान, नौजवान, मजदूर, तार तार देश की अर्थव्यवस्था, ये जो सवालात हैं, ये सवाल भाजपा के लिए महंगी पड़ेगी। एक छटपटाहट के कारण कभी वन नेशन वन इलेक्शन, कभी कुछ, ये सब डाइवर्सन के लिए है, मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए है। कुछ दिन पहले नीतीश जी ने भविष्यवाणी किया था, क्या लगता है सच होगा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी चीज़ों को टालना चाहते हैं, लेकिन 24 में चुनाव होनी है, ये कुछ चीज़ टालना चाहते हैं, ये थोपना चाहते हैं बलात् 303 का अहंकार के कारण। लेकिन देश की जनता किसी अधिनायकवाद ताकत को कभी भी स्वीकार नहीं की है। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा जड़ है भारत में, और भारत की लोकतंत्र इतनी मजबूत है कि तानाशाह को कभी बर्दाश्त ही नहीं करेगा। भाजपा तानाशाह का उदाहरण बताइए, वो गांव में बिहार में कहावत है कि अब कोहड़ा रोप रहे हैं कड़ाही चढ़ा कर करके, चुनाव है माथा पर, तो वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन नेशन वन टैरिफ करिए, लागू करिए, करिए पहले लागू। वन नेशन के सवाल पर चल रहे हैं, बिजली के क्षेत्र में कई राज्य उपेक्षित चल रहा है आपके दूरदर्शी नीतियों के कारण, आदूरदर्शी नीतियों के कारण, करिए वन नेशन वन टैरिफ करिए। बिहार तो प्रभावित हो रहा है आपके ये आदूरदर्शी नीति के कारण।